सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी? तरह फाइनली रागर का जो शहर गाना आने वाला था डेफ जैम इंडिया की तरफ से, मतलब उनके यूट्यूब चैनल से नहीं आया तो रागर के यूट्यूब चैनल से ये, तो ये गाना फाइनली भाई आउट हो चुका है ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ। तो अब हम करेंगे इसका रिएक्शन वीडियो। और रागर का लास्ट गाने का हमने रिएक्शन किया था अफसोस गाना जो उनका है, तो भाई वो बहुत अलग ट्रिप थी भाई अफसोस गाना। ये लौंडे बर्बाद है भाई, अलग ही जोन था उस गाने का। और जो शहर गाना इसका प्रोडक्शन किया भाई यावर ने, आपने यावर को भी कभी ना कभी सुना ही होगा। मैंने तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या भाई पूरा सुना। तो फालतू बातें नहीं करेंगे भाई, देखते रिएक्शन कैसा रहने वाला है और गाना कैसा रहने वाला है। उससे पहले भाई मेरे 5K सब्स कंप्लीट होने वाला है। अगर आप चाहो तो इसी वीडियो के साथ साथ मेरे 5K सब्स कंप्लीट करवा सकते हो, क्योंकि मेरे को सिर्फ 15-20 सब्सक्राइबर्स की नीड है। और अगर भाई ये वीडियो 500 लोग भी देखेंगे, उसमें से 20 लोग भी सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा 5K का टारगेट हो जाएगा पूरा। ठीक है भाई, तो प्लीज़ कर देना यार चैनल को सब्सक्राइब, अगर पसंद आए तो ही करना भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि करके ही जाना, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करते भाई राइट नाउ। ब्लैक एंड वाइट थीम खुद गाना बनाते हैं, नशा छोड़। और भाई खुद नशा करते हैं, या आपको याद होगा इनका ही गाना आया था, गाने का टाइटल ही था नशा छोड़। चेक चेक। और भाई पता लगा था, राज जोन्स ने बोला था कि किसी दिल्ली के लड़के की गेस्ट अपीयरेंस होने वाली है म्यूजिक वीडियो में। और ये जो फ्रेम है मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है रावल है ना, हाँ रावल। देखते रहे बचपन से घर के बाहर लड़के चार पापा। ओके अब तो मैं तुम्हें भाई गाना स्टार्ट हो, उससे पहले एक और बात बता दो कि रागा ने स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि जमुना पार के बाद ही मैंने कुछ ऐसा गाना लिखा। तो सोचो जमुना पार भाई गाना कब आया था रागा का, जब लाइक रागा की शुरुआत थी उसके बाद से रागा ने कुछ ऐसा गाना लिखा, तो ये गाना बहुत मतलब अलग लेवल का होने वाला है। बचपन से घर के बाहर लड़के चार पापा सुन ले तो मिलता सर पे भर के प्यार। okay. घर के दर के नारे यावर के पैर पड़ते है। Sorry, यावर क्या पहला प्यार पहला वो खुमार पहले कश का वो बुखार। याद है पार्क भसड़ में पहला करना सीखा वार। okay. ना तीज ना त्योहार बैठे करते झांझ करते सब बखान किस फलान ने है तोड़ी किसकी कांड किस पे लग रहा कितने का सम्मान किसकी लगरी कितनी धारा किसने काटे ली तिहाड़। वही फ्लो वही फ्लो, लड़का कम कमाए उसका खर्चा उसके सर पे बैठा लड़का करना पाए भाई, पूरा सेम फ्लो भाई। कांड किस पे लग रहा कितने का सम्मान किसकी लगरी कितनी धारा किसने काटे ली तिहाड़ किसका चढ़ता पहले पारा कौन करता किसको कॉल किस पे कितने लड़के किसकी कितनी चौड़ तूती बोली किस मोड़ पे है किसकी इतनी बोल। रागा निकले रात को जो लड़के घर में घुसते हैं शहर में मेरे शहर में। रागा भाई अभी भी आर्टिस्ट है लेकिन ऐसा लगता है दिल्ली का डॉन है भाई, बदमाश है मेरे शहर में। निकले रात को जो लड़के घर में घुसते हैं शहर में मेरे शहर में होते कांड सरे आम सड़के सुनी है कहर में मेरे शहर में। शहर में फैली बेचैनी एक है नी जिसके सर पे केस है नी काटे का लेस फहमी बातों में वेट है नी बातों में हेट फैली रातों में केक तोड़ फिर बनने चले ये कैदी कौन किसको सिखाता है कौन किसको बताता मैं जॉब करके कमाता था पर ना करने का इरादा गलियों ने दिए गलत नशे जैसे मरने का वादा गलियों ने सपने भी दिए तो पूरे करने का वादा पन्ने भरने से ज्यादा करने का वादा गलियों ने सपने भी दिए तो पूरे करने का वादा पन्ने भरने से ज्यादा मैं बंदे भरने का खाता था जिसका प्रिंसिपल पन्ने भरने से ज्यादा मैं बंदे भरने का खाता था भाई 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 भाई। बदमाश वो फिर क्या ही कर पाता वो सोचते आज भी उतना ही गलत साबित करता आया पर टेका कभी घटना नहीं पर मेरा भी उठता नहीं मन गिरने पे झुकता नहीं रुकना पड़ता पर रुकता नहीं जितना करता बस उतना से लिखता पड़ता पर भुगतो। यार रागा की वोकल्स भाई क्या है भाई, मतलब भाई रागा ने अपना वोकल लेवल सेट कर लिया भाई। और रागा को मैंने कब एक्सप्लोर किया था, जमुना पार की जो लाइन थी पता नहीं जमुना पार के गाना था या किसकी थी लड़का कम कमाए उसका, ये मेरे ख्याल से उस टाइम पे टिकटॉक था इंडिया में, तो टिकटॉक पे ये जो वर्स है मतलब या लाइन्स है या जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, यानी वायरल चल रहा था उस टाइम पर। तो मैंने तब रागा को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। उसके बाद से जो रैप का मौसम एल्बम आई फिर से, तो भाई नसों में बसा लिया रागा को, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली के भाई के लिए अलग बातचीत होती है। और सेकंड थिंग इज़ कि भाई जैसे रफ्तार का वोकल टोन अपना खुद का अलग है ना, सेपरेट कि अलग ही कोई भी मतलब पहचान जाएगा हाँ भाई ये रफ्तार है, ऐसे भाई रागा की वॉइस है भाई। नहीं सुखना मिलता तो सुनता सही टुकना पे
रास्ते चलना पर फंसना नहीं क्या। हमेशा ऐसा लगता है रागा गुस्से में आ रहा है भाई, रागा गुस्से में आ रहा है, लेकिन एक दो ट्रैक्स ऐसे भी है जिसमें काफी अलग मेलोडी दी है रागा ने। समय के साथ साथ रोज मैं हूँ चल रहा, सबसे तेज फिर भी आज क्यों मैं चल रहा। ओके अच्छा मेरा मुझसे तू है क्यों ये सुन रहा, क्या देखा मुझको मुस्कुराता जो तू यूं मचल रहा। मेरे गाने सुन के आज हर लड़का मल रहा, माल को रगड़ रहा, पाप से अकड़ रहा, कोई अपने आप से ही लड़ रहा, आज इतना जो है चल रहा वो कल ना था ना ये मेरी कल। भाई लाइक मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुमने सिद्धू मूसेवाले का सुना तो उनके गाने कैसे होता है कि भाई सुन के ना बंदा फुल ऐट में आ जाता है, फुल छोड़ में आ जाता है, बंदा लड़ने को राजी रहता है, पेलम पाली करने को राजी रहता है। तो वो तो हो गया पंजाबी इंडस्ट्री का सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, गैंगस्टर शीट वाला आइटम। और जो DHH का है या इंडिया के हिप हॉप कल्चर का है, उसका भाई ये है रागा। आई डोंट नो अगर तुम किसी एक ऐसे आर्टिस्ट को जानते हो उसको जिसके गाने सुन के ऐसा लगेगा भाई मार कार्ड वाले फुल चौड़ आ जाए अलग से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना। बट फॉर मी, मेरे लिए भाई रागा, क्योंकि रागा के ऐसे गाने आते ना कि देखती भाई अलग चौड़ आ जाती, और खासकर रागा दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं दिल्ली से हूँ तो अलग ही वाइफ कनेक्ट होती है। अगर तुम कहीं और से हो तो शायद उतनी ना होती हो, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा होती है। रागा के भाई ऑलवेज तुम्हें पता है गाने ऐसे आते हो लाइक दिल्ली NCR से जो गाना आया था भाई, क्या गाना था भाई, अलग ही लेवल का शीट भाई। कल्पना ना ये मेरी सल्तनत पर है बंदे अनगिनत जिनको मुझ पे कलता शक, पर आज साथ हैं और साज हैं वो जिंदगी का, ना रिश्ता तोड़ता ना जोड़ता ना हूँ मसीहा, मैं करता बात सीधी साफ शब्दों में कमीना, चिड़सी होती खुद को देख सामने जो शीशा, गांजे और हशीश का माल तो अजीज था पर माँ ने सोचा ना था कि बेटा ऐसा कभी होगा, लेगा कष्ट पढ़ने लगते कष्ट तो कड़वे लगते सच मुझको भड़वे लगते सब लोग जितने भी हैं आस पास सारे मुझको बख्श दो, पर जितने भी हैं खास मेरे सारे मुझको लक्ष्य दो। डायरेक्टेड बाय अनुराग शर्मा। भाई बात करते हैं गाने की बात, पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लूँ कि रावल का क्या रोल है, कि आसिफ गेस्ट अपीयरेंस है। ओके कैमियो रावल का है। ओके भाई खास शो जो 47 का होता, भाई 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 भाई, भाई। अलग ही चुद थी भाई गाने की। तो भाई गाना होता हमारा ख़त्म, गाने का नाम था शेयर। और ट्रैक की बात करें भाई, नो कुछ नहीं बोलना आज, मुझे कुछ नहीं बोलना इस गाने के बारे में, तुम खुद समझदार होगा, तुम रागा हॉलिक्स हो। तो रागा ने भी अपने अलग फैम बना रखी है रागा हॉलिक्स, तो मतलब रागा के नशेबाज, हमें भी भाई रागा का नशा, ठीक है। तो भाई गाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, और काश कर मेरे को वो पार्ट्स अच्छे लगे जिसमें रागा जब विदाउट बीट के रैप कर रहे हैं, जिसमें मतलब पीछे म्यूज़िक नहीं चल रहा और रागा मतलब विदाउट म्यूज़िक के गा रहे, वो वाला पार्ट काश कर अच्छा लगा, क्योंकि उनका वोकल्स जो है ना वो सेपरेट वोकल सुनने को मिल रही थी बिना म्यूज़िक के, जो इतनी ईजिली सुनने को नहीं मिलती है। तो वो पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और भाई रागा की टोन तो है ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक। तो तुम भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हें रिएक्शन कैसा लगा, तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हें गाना कैसा लगा रागा का शहर। और प्लीज़ वाई 5 के सब्सक्राइब करवा देना। आज के लिए बस इतना भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।